हेलो इंजीनियर्स, दिस ओवर शांति। तो आज आपके लिए लाए हैं रिचार्जेबल बैटरी, वो भी जो कि हम लोगों का जो घड़ी का बैटरी होता है, जो हम लोग रिमोट पे यूज करते हैं, घड़ी पे यूज करते हैं, वही बैटरी हम लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं, वो भी अपने खुद के हाथों से। तो ये जो बैटरी है ये रिचार्जेबल बैटरी है, ये तो रिचार्जेबल नहीं है, लेकिन इसको हम लोग रिचार्जेबल बोल सकते हैं क्योंकि ये रिचार्ज होते हैं। तो इसी बैटरी को हम लोग किस प्रकार से आसानी से घर पे बना सकते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, PCB डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो नॉर्मली हम लोग जो बैटरी यूज करते हैं ये है, जो कि हम लोग बैटरी घड़ी पे यूज करते हैं, रिमोट पे यूज करते हैं। तो ये बैटरी हम लोग वन टाइम बैटरी हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब इसको एक बार खरीदेंगे और इसका चार्ज जितना रहेगा उतना ही रहेगा, उसके बाद इसका चार्ज खत्म हो जाएगा और हम लोग सिर्फ एक ही टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करके रिचार्जेबल बैटरी बना सकते हैं, जो कि ये रहा। तो ये जो बैटरी आप देख रहे हैं ये रिचार्जेबल बैटरी है। तो इसी रिचार्जेबल बैटरी को हम लोग इसी टेक्नोलॉजी से बनाया है, ये थोड़ा बड़ा बन गया है, हम लोग इसके साइज़ का भी बना सकते हैं। तो बना के हम लोग इसके जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक रिचार्जेबल है जो कि घड़ी पे हम लोग रिमोट पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी चलिए ये जो रिचार्जेबल बैटरी है इसको हम लोग घर पे किस प्रकार से बना सकते हैं वो आज हम लोग देखते हैं। इस वीडियो का सारे कंपोनेंट्स और पार्ट्स क्वार्ट्ज कंपोनेंट्स से खरीदा हुआ है, बहुत ही अच्छा और सस्ता कंपनी है। अगर आप चाहते हैं वहां पे जाके बहुत ही कम रेट पे खरीद सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिल जाएगा। तो अभी देखिए ये कंप्लीट हो गया है। तो इस पर हमने क्या क्या लगाया है आपको बता देते हैं। ऊपर की तरफ चारकोल हमने लगाया है, जो कि कोयला जो होते हैं उसी कोयला को हमने इस पे पेस्ट करके इसमें डाला है। और नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो एल्युमिनियम पेपर जो है उसको हमने यहाँ पे सेट किया है। तो अभी इस पर सिर्फ एक सोल्यूशन डालेंगे, जो कि होगा, जो कि सॉल्ट होगा। इस पर सॉल्ट और बेकिंग सोडा जो है उसको हमने यहाँ पे मिक्सिंग किया है। तो अभी दोनों को एक साथ करके हम लोग इस पर डालेंगे, इसी चारकोल पे। तो चारकोल पे डालने पर ये सूख लेगा, सभी पानी जो है वो ये सूख लेगा। सूखने के बाद इसमें एक सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन हम लोग बैटरी के यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह हम लोग इस पर मिलाते हैं, मिलाने के बाद हम लोग उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो अभी सॉल्यूशन डालने के बाद इसका वोल्टेज हम लोग मापेंगे। तो जब भी इसका वोल्टेज, ये जो चारकोल है इसको पॉजिटिव हम लोग करेंगे और नीचे की तरफ एल्युमिनियम जो है वो नेगेटिव करेंगे। देखिए थोड़ा वोल्टेज इसमें आ रहे हैं क्योंकि अभी ये चार्ज नहीं है, इसको चार्ज करना पड़ेगा। जब भी इस पर हम लोग चारकोल के ऊपर हम लोग चार्ज करेंगे तो ये चार्ज दिखाएगा। तो अभी बहुत ही कम वोल्टेज इसमें है, तो हम लोग इसको चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद हम लोग टेस्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके अंदर इसको सभी को डालेंगे, डालने के बाद हम लोग चार्ज करेंगे। तो अभी इसको डालते हैं, डालने के बाद हम लोग आपको दिखाते हैं।
तो अभी देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हमने 5 सेल इस पर डाल दिया है, जो कि सभी सेल इस पर रिचार्ज के लिए यूज होगा। तो सभी सेल मिलकर ज्यादा वोल्टेज इसमें प्रोवाइड होगा, जो कि 1.5 वोल्ट समथिंग इसमें आएगा। तो अभी चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं किस प्रकार से एक मोटर घुमा सकते हैं या लाइट ग्लो कर सकते हैं। कोई भी टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, तो चलिए इसको पहले हम लोग टेस्ट करते हैं। तो अभी देखिए ये जो बैटरी आप देख रहे हैं, इसको मैंने बना दिया है अभी। तो इस पर मैंने 2 वायर लगा दिया है, दो तरफ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और बैटरी 1.5 वोल्ट से हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो बैटरी है इसको हम लोग अभी टेस्ट करके देखेंगे किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर यूज़ करेंगे। तो मल्टीमीटर को हम लोग वोल्टेज पे ले लिया है, जो कि DC वोल्टेज होगा। अभी बैटरी को मापेंगे, देखिए 1.35 समथिंग दिखा रहा है। तो ये वोल्टेज अभी 49, ये अप डाउन कर रहे हैं, ये अप डाउन करेगा और चार्ज होने के बाद ये वोल्टेज दिखा रहा है। तो अभी हम लोग इसको मोटर चला के दिखाएंगे। तो देखिए मोटर अभी चलाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से मोटर घूम रहा है, मतलब इस पर 1.5 वोल्ट जो कि इसमें प्रोवाइड हो रहा है, और इस पर से हम लोग आसानी से एक मोटर घुमा सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से घूम रहा है। तो ये जो बैटरी है इसको हम लोग छोटा करके भी बना सकते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से घर पे एक रिचार्जेबल बैटरी हम लोग बना सकते हैं। तो इस वीडियो का अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।